हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ रवि और आज दोस्तों मैं आपके लिए एक 24 यानी कि 24 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पर एक वीडियो बनाकर लेकर आया हूँ। आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आएगा। तो और आई होप दोस्तों ये कि आपके अपकमिंग और फॉरथकमिंग जो एग्ज़ाम रहते हैं तो उनमें आपके ये काफ़ी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। गिरी वाटा जल विद्युत परियोजना यानी बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना किस ज़िले में है? तो दोस्तों ये आपकी सिरमौर ज़िले में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि सैंज 100 मेगावाट जल विद्युत परियोजना किस ज़िले में है? तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट आपका कुल्लू ज़िला में बना है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वर्तमान में चल रही परियोजना यानी कौन सी योजना है जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं है, यानी कि जिसका नियंत्रण हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट नहीं करती है? तो दोस्तों ये आपकी शानन परियोजना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि राज्य में वे कौन सी जल विद्युत परियोजना है जिसे रूस के सहयोग से चलाया जा रहा है? तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये कोल डैम प्रोजेक्ट है जिसे रूस की सहायता से चलाया जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, यानी कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों ये आपकी 1971 यानी 1971 में की गई थी। और इसी दिन दोस्तों हमारे हिमाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया गया था, तो इसलिए भी 1971 महत्वपूर्ण है वर्ष हिमाचल प्रदेश के लिए। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सोनापानी ग्लेशियर हिमनद यानी ये ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों 2011 के अनुसार आंकड़ों के अनुसार देखें तो 68,64,602 इतनी आबादी हमारे हिमाचल की है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हिमाचल में सबसे अधिक शहरी आबादी कहां पर है, यानी किस ज़िले में है? तो दोस्तों जी हां, शिमला में सर्वाधिक शहरी आबादी है हिमाचल में। और दोस्तों अगर नगरीय जनसंख्या की बात करें तो हिमाचल में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों ये आपकी 10.04% है जो 2011 की जनगणना के अनुसार है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा के मंदिर पर कब आक्रमण किया था और कब कांगड़ा के मंदिर को लूटा गया था? तो दोस्तों ये आपका 1365 में ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने लूटा था मंदिर को। और दोस्तों एक क्वेश्चन आई थिंक छूट गया था, ये क्वेश्चन नंबर 11 है कि कश्मीर के नरेश जो शहाबुद्दीन थे तो शहाबुद्दीन ने कांगड़ा पर आक्रमण कब किया? तो दोस्तों ये थे, इन्होंने 1163 से 86 ईस्वी में इनके आसपास किया था आक्रमण। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में यानी कि हिमाचल की जो आबादी गाँव में और शहरों में रहती है उनकी साक्षरता दरें क्या है? तो 2011 के अनुसार दोस्तों गांव में रहने वाली आबादी की साक्षरता दर 81.9% और शहरों में रहने वाली आबादी की साक्षरता दर 91.1% है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2001 जनगणना के अनुसार नई अनुसूचित जनजाति को शामिल किया गया है, यानी कि वे कौन सी जनजाति है जिसे हाल ही में 2011 जनसंख्या के अनुसार हाल ही में अनुसूचित जाति को शामिल किया गया? तो दोस्तों यह है बरवाला जाति जिसे शामिल किया गया है। और दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि राज्य में 2011 की जनसंख्या यानी जनगणना के अनुसार कौन सी दो नई अनुसूचित जनजातियाँ हैं जिन्हें शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये आपकी बेडा और डोंबा है जिन्हें शामिल किया गया है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि राज्य में एससी एवं एसटी की कितनी प्रतिशत आबादी है? तो दोस्तों 2011 के अनुसार अगर देखें तो 5.7% एसटी की आबादी और 25.2% आबादी है दोस्तों जो एससी की है। तो दोस्तों ये जनगणना से संबंधित जो क्वेश्चन रहते हैं ये डेटा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, तो बड़े एग्ज़ाम में बड़े लेवल के एग्ज़ाम में काफ़ी बार ये आंकड़ों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनसंख्या के अनुसार, जिसमें आपके सूचकांक बहुत सारे आते हैं जैसे मानव स्वास्थ्य सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी, ये बहुत सारे महत्वपूर्ण
आंकड़े रहते हैं दोस्तों, इनसे संबंधित क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जनगणना 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की साक्षरता दर क्या थी। तो दोस्तों जी हाँ, 76.48% इतनी आपकी साक्षरता दर थी 2011 के अनुसार, सॉरी। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर किस ज़िले में है। तो दोस्तों ये आपकी हमीरपुर ज़िले में है, 89.01%। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर वाला ज़िला कौन सा है। तो दोस्तों जी हाँ, ये आपका चंबा है, 73.19%, यानी कि 73.19% यहाँ की साक्षरता दर है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्राचीन काल की वे कौन सी जातियाँ थी जिनसे भारतीय जनता की रचना हुई थी। तो दोस्तों जी हाँ, ये आपकी थी आर्य जाति, द्रविड़ जाति, मंगोल और आदिवासी। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ये करियाला, स्वांग, बांटड़ा और आंचली, ये सब आपके दोस्तों लोक नृत्य हैं जिन्हें हिमाचल में किया जाता है। ये दोस्तों आपके आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं, कि कई बार दोस्तों नृत्य का नाम पूछा जाता है कि कौन सा नृत्य कहाँ पर किया जाता है, या डांस का फॉर्मेट पूछा जाता है कि किस प्रकार का नृत्य है। जी हाँ दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि छम किस प्रकार का नृत्य है। तो दोस्तों ये आपका मुखौटा नृत्य है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्पीति वादी में गुतौर उत्सव कब मनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपके लाहौल स्पीति में, स्पीति वैली में आपका ये गुतौर उत्सव मनाया जाता है। ये दोस्तों नवंबर में मनाया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंजू चंचलो कहाँ के लोकप्रिय गीत हैं। तो दोस्तों कुंजू चंचलो आपका चंबा का लोकप्रिय गीत है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना किस ज़िले में है। तो दोस्तों आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आंसर है। बाकी दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 24 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज से रिलेटेड हैं उन पर मैं वीडियो बनाकर आपके लिए ला सकूँ। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।